आज हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए बैगन। तो स्टार्ट करते हैं और हमने तेल डाल लिया। आप देख रहे हैं जैसे ये गर्म हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं हमने इसको बैगन और आलू को भूनने के लिए रख दिया है। इनको थोड़ी देर भूनने देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए भून रहे हैं ना इनको, आप थोड़ा सा और भून देंगे। देखिए हमने बैगन निकाल लिया है, अब हम मसाला की पैकिंग करते हैं। हमने डाला हींग और जीरा, सब भूनने देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम डालेंगे इसमें प्याज और इसको अच्छे से भून देंगे। देखिए हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच धनिया और एक आधा चम्मच, इसको मिक्स करेंगे और भूनेंगे। और हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, अब डालेंगे दाल टमाटर प्यूरी और मिक्स करेंगे। अब ये हमारा रेडी है मसाला, अब हम डालते हैं सारे सब्जी। ये देखिए अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और हम इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी। अब हम डालेंगे इसमें एक गिलास पानी और हम डालेंगे इसमें, हमने पहले से रखा हुआ है ब्रेड का पानी बना के, तो हम इसमें डालेंगे मिक्स करने के लिए। इससे गाढ़ा होता है मसाला अच्छे से और टेस्टी बनता है। अब इसको भाग देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं चावल। तो हमने ये गर्म होने रख दिया, अब हम इसमें डालेंगे तेल डाल दिया, हम डालेंगे जीरा। देखें अभी हो गया है, थोड़ा ब्राउन होने दें। और हमने चावल पहले एक घंटे पहले ही भिगो कर रखा था, तो अब इसमें हम डाल देंगे। हमारा इसको हम बंद कर देंगे और चावल में पकने देंगे। प्लेटिंग भी रेडी है और चावल भी रेडी है, प्लेटिंग करते हैं। हमारी डिश रेडी है और ये कंप्लीट हो गई है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, प्लीज़। थैंक यू।